पहले दोस्तों गुड मॉर्निंग सभी को और साथ ही आज दिवाली है तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दिवाली की और इसके बाद की सबसे पहले अपडेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी साथ ही आपको यहाँ पर जो है जॉब के रिगार्डिंग जो, जो अपडेट्स हैं वो भी देखने को मिल जाएंगी तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यू अपडेट के बारे में मेधावी विद्यार्थियों को यहाँ पर जो है मदद देगा राजभवन तो यहाँ पर राज्यपाल ने कहा कि यहाँ पर जो है उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने यहाँ पर जो है प्रदेश के मेधावी लेकिन यहाँ पर निर्धन छात्रों को जो है सहायता देने की बात की है तो यहाँ पर देख इसके लिए यहाँ पर जो है कहा है कि राजभवन जो है ऐसे छात्रों को यहाँ पर फीस वहन करने में जो है सहायक प्रदान करेगा जो यहाँ पर मेधावी छात्र हो साथ में यहाँ पर गरीब छात्र भी हों इस तरह यहाँ पर कहा गया है और वही बात करें यहाँ पर शर्मनाक तो यहाँ पर जसपुर में छात्रा से यहाँ पर छेड़छाण छेर्खा, छेड़छाड़ छेर्खा, में यहाँ पर शिक्षक गिरफ्तार हो चुका है तो यहाँ पर देखते देख सरक, एक सरकारी स्कूल के जो शिक्षक है नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ में जो है पुलिस ने जो है छात्रा के पिता की तहरीरी पर केस दर्ज कर दे है और आरोपी जो शिक्षक था उसको गिरफ्तार कर लिया गया तो इस तरह का भी केस भी हो रहा है और वही बात करें उत्तराखंड में जो है यहाँ पर देखते हैं कि मासिक बेरोजगारी जो कि सत्रह गुना घटकर जीरो पॉइंट फाइव फीसदी तो यहाँ पर देखते हैं उत्तराखंड में जो है बेरोजगारी जो है मासिक फीसदी घट चुकी है इसमें बताया गया है और यहाँ पर कहा गया कि इसके मुताबिक जो यहाँ पर पहले यहाँ पर जो है से एट पॉइंट सेवन फीसदी यहाँ पर बड़ी थी तो लेकिन यहाँ पर जो सत्रह गुना घटकर जो है अब लगभग जो है यहाँ पर जीरो पॉइंट फाइव यहाँ पर जो है हो चुकी है इस तरह का यहाँ पर बताया गया है जो कि यहाँ पर मासिक जो बेरोजगारी दर है वो घट चुकी है और वही बात करें यहाँ पर बी एफ ए में जो है यहाँ पर दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा जो परीक्षाएं वो उनतीस अक्टूबर से यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली सरकार के जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं यहाँ पर जो है उनतीस अक्टूबर को यहाँ पर जो है परीक्षा होनी है तो इसके लिए यहाँ पर आगे कर सकते हैं साथ ही है अगर डी में बात करें तो यहाँ पर जो है अब तक अब जो है बच्चे तक जो है जमा कर सकते हैं पहले चरण की फीस तो यहाँ पर पहले चरण की जो फीस है बच्चे तक जमा कर सकते हैं छब्बीस अक्टूबर को जारी की जाएगी स्नातक में खाली सीटों की सूची तो छब्बीस को यहाँ पर जारी करने हैं इसके लिए यहाँ पर जो है आवेदन कर सकते हैं और वही बात करें यहाँ पर आज के जॉब अलर्ट को लेकर तो इसमें आप लोग देखते हैं जॉब अलर्ट को लेकर तो ई एस आई सी यहाँ पर जो है इकसठ पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है सीनियर रेजिडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर व अन्य पद हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पर इक्कीस से लेके पैंतीस पैंतालीस सिक्सटी सेवन तक इस तक अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं और चयन की प्रक्रिया साक्षात्कार के माध्यम से होगा पाँच सौ रुपये का यहाँ पर चलाना लगेगा इसके लिए ऑफिशियल जो साइट है यहाँ से आप आउटिंग कर सकते हैं उसके साथ साथ यहाँ जो है ओ एन जी सी में पोस्ट निकालेगी इसमें यहाँ पर सदर पोस्ट हैं इसमें स्पेशलिस्ट इस जो डॉक्टर हैं उसके लिए यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है इसके लिए आपके यहाँ आप पर शैक्षिक योग्यता अनुभव और साक्षात्कार के आधार पर जो है होगी जिसके लिए यहाँ पर सौ नंबर की लिखित तो परीक्षा आपकी होगी उसके साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ऑनलाइन तरीके से होगा इसके ऑफिशियल साइड ये है आठ नंबर नंबर तक आउटिंग कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि आर पी में जो है वैकेंसी निकाली गई है और इसमें दो पदों के लिए यहाँ पर खाद्यान्न जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी इसके पदों की पोस्ट हैं अट्ठारह से वर्ष के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं फूड टेक्नोलॉजी और डे टेक्नोलॉजी बायो टेक्नोलॉजी इनमें जो है आपके पास डिग्री होनी चाहिए इसके लिए आवेदन कर सकते है। हैं यहाँ पर एक नवंबर तक वेबसाइट यहाँ जारी किया गया है और यहाँ पर इसकी फीस रखी गई है उसके साथ साथ यहाँ पर देश हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद यहाँ पर भी पोस्ट निकाली गई है कनिष के अभ्यार्थ के असुल्पिक पदों के लिए अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे और इसके साथ साथ यहाँ पर देखते हैं कि जो जीवन विज्ञान संस्थान है यहाँ पर भी वैकेंसी निकाली गई है वेबसाइट देख सकते हैं आवेदन कर सकते हैं और वहीं बात करें उत्तराखंड में जो है पीआरडी की भर्ती के रिगार्डिंग अपडेट के बारे में तो पीआरडी एक्ट में जो है संशोधन से खुलेगा बेरोज़गारों के लिए नौकरी का रास्ता तो यहाँ पर पीआरडी एक्ट में संशोधन कर दिया गया है और इसके लिए अब नौकरी खुलने वाली है युवा कल्याण एवं पीआरडी में अप्रशिक्षु की जो है नियुक्ति का मामला है इसमें बताया गया कि युवा कल्याण एवं प्रांति रक्षक दल में अभी जो है अप्रशिक्षण की जो है नियुक्ति पर रोक है तो यहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ पर जो है जो अप्रशिक्षित उनको नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है लेकिन सरकार जो है अब विभाग के एक्ट में जो है संशोधन करने जा रही है और इससे जो है राज्य के बेरोजगारों के लिए यहाँ पर नौकरी का रास्ता खुलेगा इसमें जो है नौकरी खुलने वाली बात कही गई है और इसमें कहा गया कि युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य के मुताबिक न सिर्फ पी में बल्कि इसके माध्यम से अन्य विभागों में कर्मचारी तैनात तैनात किए जा सकते हैं तो इसके माध्यम से अन्य विभागों में भी कर्मचारी तैनात होंगे और इसमें बताया गया कि यहाँ पर पी आर एक्ट में संशोधन से कलर्क है प्लम्बर कुक चतुर्थ श्रेणी एवं अन्य कर्मचारियों की नौकरी का जो है रास्ता खुलेगा तो यहाँ पर इन पदों पर होंगे क्लर्क है प्लम्बर है कुक या चतुर्थ कर्मचारी जो श्रेणी की पोस्ट होंगी वो यहीं से आपके होंगी और इसके माध्यम से विभिन्न विभागों में जो है कर्मचारी की तैनाती आप की जा सकेगी तो यहाँ पर देखते हैं कि इनमें कई विभागों में जो तैनाती है वो यहीं से करी जाएगी इसमें जो, जो ही ही है चैन जो है यहीं से होगा ऐसा यहाँ पर रेखा ने कहा जो कि यहाँ पर मंत्री युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक की मंत्री हैं और इसमें यहाँ पर बताया गया युवा कल्याण प्रांतिरक्षक में जो है वर्तमान में लगभग जो है आपके नौ युवा पंजीकृत हैं जिनमें से यहाँ पर चार हज़ार से अधिक जो है प्रशिक्षित हैं जबकि अन्य अप्रशिक्षित हैं तो यहाँ पर देखते हैं जो अप्रशिक्षित हैं उनको ना हटाने के बाद साथ में यहाँ पर इनकी नई भर्तियाँ हो सकती हैं इन पर तो इस तरह यहाँ पर कहा गया है और उसके साथ साथ यहाँ पर अनाथ बच्चों को रोजगार पर जो है प्रशिक्षण देगी सरकार तो यहाँ पर हैं सरकार जो है अनाथ बच्चों को रोजगार प्रस्थ जो प्रशिक्षण देगी और इसके लिए यहाँ पर स्ट्रीट चिल्ड्रन पुनर्निवास नीति के तहत जो है यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था होने जा रही है और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के मुताबिक जो है प्रदेश भर में इस तरह के बच्चों को जो है चिन्हित किया जा रहा है और प्रदेश में जो है स्ट्रीट चिल्ड्रन पुनर्वास नीति यहाँ पर प्रस्तावित है तो यही प्रस्तावित है इस पर यहाँ पर जो अनाथ बच्चे उनको यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और वहीं बात करें यहाँ पर यूके के की भर्तियों को लेकर तो यहाँ पर देखते हैं यूके तिर में जो है जन सुनवाई स्थगित कर दी गई है और बताया गया कि आठ परीक्षाओं की उच्च स्तरीय जांच के चलते यहाँ पर उठाया कदम और कहा गया है कि दिवाली के बाद जो यहाँ पर आ, साफ होगी भर्तियों की तस्वीर तो यहाँ पर दिवाली के बाद जो है अब आपका फैसला आ जाएगा भर्तियों में नियुक्ति देनी है या उनकी जाँच करने किस तरह करना है तो इसमें आपके उत्तराखंड में एल टी चक्चर भर्ती है सहायक है दूर पुलिस है सभी लगभग जो है आठ भर्ती हैं उन सभी पर फैसला होना है और इसमें बताया गया कि यहाँ पर उच्च नायक ने हर महीने में, महीने के पहले और आखिरी शुक्रवार को जो यहाँ पर होने वाली जन सुनवाई को जो है कर दिया गया है और आयोग के सचिव के मुताबिक आठ परीक्षाओं की जो है उच्च स्तरीय जाँच के चलते यह फैसला लिया गया है और आयोग के सचिव आर एस रावत की ओर से यहाँ पर जो है सूचना के मुताबिक बताया गया कि आयोग की आठ आयो परीक्षाएं ऐसी हैं जिनका या तो यहां पर रिजल्ट नहीं आया है या चयन संस्कृति भेजी जानी है और इन भर्तियों को लेकर जो है 18 अक्टूबर को यहाँ पर आयोग के अध्यक्ष जे एस मरतोलिया की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और इस बैठक में यहाँ पर तय किया गया था कि यहाँ पर आठ परीक्षाओं के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाना है और आयोग के मुताबिक जो है हर महीने के पहले और चौथे शुक्रवार को यहाँ पर जो है शाम चार से लेकर पाँच बजे के बीच में जन सुनवाई में ज़्यादातर सवाल इन्हीं से यहाँ पर जो है जुड़े हुए आ रहे थे और अब जो है चूँकि यह भर्तियाँ जो है जाँच के अधीन है इसलिए यहाँ पर फिलहाल जो है जन सुनवाई पर रोक लगा दी गई है और हालांकि जो है आयोग ने जो है इसकी जो आ, यह भी साफ किया है कि यहाँ पर जो है जो ज़िम्मेदारी उसके आ, इसके अलग कि, किसी और समस्या को लेकर आना चाहते हैं तो वह लिखित में अपना प्रतिबंध आयोग को दे सकते हैं अगर इसके अलावा कोई और आ, अपना प्रतिवर्द लगाना चाहते हैं लिखित में तो आयोग पर जाकर जमा कर सकते हैं ये आयोग ने यहाँ पर कहा गया है और दिवाली के बाद जो यहाँ पर स्थिति होगी भर्ती की तस्वीर तो यहाँ पर बताया गया दिवाली के बाद जो है आयोग की आठ भर्तियों पर निर्णय होगा और हालांकि जो है इसमें से चार भर्तियों को जो है कैबिनेट की बैठक में रद्द करने किया जा चुका है फिर भी आयोग का कहना यह है कि चूँकि कैबिनेट के निर्णय का कोई लिखित जो है सूचना आयोग को नहीं मिली है इसलिए इन भर्तियों को जो है रद्द नहीं किया गया है और माना जा रहा है कि यहाँ पर जो है आयोग की उच्च स्तरीय समिति जो कि पंद्रह दिन में जो है अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंपेगी तो पंद्रह दिन के अंदर जो रिपोर्ट सौंपनी है जिसमें इसमें एल टी है, है सबसे ज्यादा पोस्ट आपके एल टी में ही है ज्यादातर और नियुक्ति की मांग भी इसमें चल रही है तो यहाँ पर जो भी होगा यहाँ पर जितने भी पोस्ट हैं उन सब भी होने हैं यहाँ पर की उत्तराखंड शिक्षा विभाग में यहाँ पर सैकड़ों युवाओं को जो है जल्द ही काम यहाँ पर जो है काम करने का मौका मिलने जा रहा है दरअसल जो है शिक्षा विभाग सी आर सी और बी आर सी के लिए नियुक्त जो है निकालने की तैयारी कर रहा है इसमें आउटसोर्स के माध्यम पर यहाँ पर आपकी जो है तैनाती होनी है तो यहाँ पर देखते हैं युवाओं को जो है इसमें आउटसोर्स के माध्यम से होगी पहले से आपके यहाँ पर जो है शिक्षक काम करते हैं उनको यहाँ पर काम करने का मौका नहीं मिलेगा बल्कि उन पर जो है अब नई नियुक्तियाँ होंगी सीधी भर्ती सी से जो कि आउटसोर्स के माध्यम से आपका यहाँ पर होना है और और साथ ही यहाँ पे ये भी लिखा गया कि आपको बता दें कि न्याय पंचायत और ब्लॉक स्तर पर जो है इसके लिए तैनाती की जानी है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके ब्लॉक स्तर पर जो है आपके तैनाती होनी है जिसके लिए यहाँ पर जो है पहले ही भारत सरकार की तरफ से बजट भी यहाँ पर कर दिया भारत सरकार ने बजट इसके लिए स्वीकृत कर दिया गया है हालांकि इससे जो है पूर्व शिक्षा विभाग के शिक्षक ही यहाँ पर जो है इन पदों पर जिम्मेदारी यहाँ पर संभाल रहे थे लेकिन इससे न केवल शिक्षण कार्य में दिक्कत आ रही थी बल्कि इसको लेकर जो है मैनेजमेंट में भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था तो यहाँ पर दिक्कत आ रही थी और शिक्षक अभी तक जो है इस पर काम कर रहे थे जो यहाँ पर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होते थे शिक्षक उनकी यहाँ पर नियुक्ति कर दी जाती है स्कूलों में की जगह यहाँ पर नियुक्तियाँ हो जाती थी एक शिक्षक यहाँ पर चाहिए चाहिए होता था ये होता था लेकिन अब यहाँ पर इनको सीधी भर्ती होगी जो कि यहाँ पर आउटसोर्स के माध्यम से करानी है और इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग के इस फैसले के बाद जो है राज्य के करीब जो है हज़ार युवाओं को जो है रोज़गार मिलेगा और साथ ही ये भी कहा गया है पारदर्शिता पारदर्शी रूप से यहाँ पर जो है शिक्षण कार्य में जो है युवाओं की जो है यहाँ पर निगरानी भी करने को मौका मिलेगा साथ ही यहाँ पर यह भी कहा गया कि तमाम स्कूलों में जो है आने वाले जो एकेडमिक है और मैनेजमेंट संबंधित जितनी भी दिक्कतें होंगी उनकी तरफ से यहाँ पर जो है दूर किया जाएगा तो यहाँ पर देखते हैं कि उनकी तरफ से यहाँ पर जो एकेडमिक है या मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम है उनका दूर करना जो है ये आपका करेंगे बी सी और सी, सी पदों पर ठीक है ये इनका काम होता है क्योंकि यहाँ पर जो है अनिवार्य रूप से शिक्षक यहाँ पर चाहिए होता है जो कि वेल ग्रेजुएट जो आपका ग्रेजुएट होता है मतलब कि ट्रेन शिक्षक ट्रे होता है वो यहाँ पर रहता है अब पहली बार आ रहा है मेरे ख्याल से यहाँ पर बी होना कंपलसरी है इन पर क्योंकि यहाँ पर जो है एक शिक्षक के रूप में बी होना कंपलसरी है तो यहाँ पर जो है बी रखा जाएगा अब देखते हैं कि नहीं तो पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन यहाँ पर रख सकते हैं क्वालिफिकेशन और यहाँ पर आउटसोर्स के माध्यम भर्ती होनी है जल्दी इन पदों पर भर्ती आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है